पाकिस्तान में इस्लामिक जिहादी और कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। इस जुल्म से परेशान होकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंदुस्तान में शरणार्थियों का जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की करतूतों से परेशान होकर भारत आए 30 हिंदू और सिख समुदाय के नागरिकों को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। आखिर किस वजह से शरणार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का काला चेहरा एक बार फिर उसकी करतूतों की वजह से बेनकाब हुआ। आतंक को पालने के साथ साथ पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी और कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग हिंदुस्तान में शरणार्थियों का जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसे प्रताड़ित लोगों के लिए भारत मसीहा बना है। पीएम मोदी की पहल के बाद भारत में शरण लेकर रहने को विवश हिंदू और सिख समुदाय के नागरिकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। राजस्थान में रह रहे 30 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई, यानी कि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार से परेशान होकर आए 30 हिंदू अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल गई है। मतलब अब उन्हें भारतीय नागरिकों के समान सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि नागरिकता पाने वाले इन अल्पसंख्यकों में 17 पाली, 8 अजमेर, 5 बाड़मेर में रह रहे हैं। इन सभी अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन नागरिकता दी गई है। अब प्रदेश में सभी अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन ही नागरिकता दी जाएगी। वहीं राजस्थान में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू अल्पसंख्यक रह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोगों के साथ लगातार अत्याचार किया जाता था। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे केस पाकिस्तान के बर्बरता के सामने आए हैं, जिसने लोगों को दहला कर रख दिया। कई देशों में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज भी उठाई गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आता। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार का सिलसिला बंद करने की बात कह चुके हैं। बता दें कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार और शोषण को लेकर कई बार आलोचनाओं का शिकार हो चुका है। यहां अल्पसंख्यकों के सरकारी अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे हैं। वहां के कुछ नेता भी बोल चुके हैं कि इमरान सरकार नफरत की राजनीति करती है। पाकिस्तान हिंदुओं के लिए जहन्नुम बन गया है। पाकिस्तानी अत्याचार और जुल्मों के सितम की वजह से वहां के हिंदू शरणार्थी भारत समेत दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हो चुका है। अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाक की पुलिस और न्याय व्यवस्था अल्पसंख्यकों को लेकर गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।